इस छोटी सी पोटली से दोस्तों आपके नींबू में अगर फल नहीं आ रहे हैं तो फल आने लगेंगे। और ये पोटली मैं खोल के दिखा रहा हूँ कि आप इसमें पोटली में क्या है। बहुत सारे लोग नींबू का प्लांट लगाए हैं हमारी तरह, लेकिन इंतज़ार करते हैं कि इसमें फल कब आए। जैसे देखिए हमारे नींबू में भी फल आ रहा है, लेकिन हमें गुच्छे में फल चाहिए खूब, बहुत ज़्यादा। इसने बड़े पार्ट में हमने जब इसे लगाया है तो बहुत ज़्यादा फल हमें चाहिए। तो उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं जिसे उपयोग करने से हमारे इस नींबू के प्लांट में बहुत सारे फल आने लगेंगे। अभी जो है एका दुक्की फल ही आ रहे हैं और हमें जैसे रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो हम आज के वीडियो में वही बताएंगे कि आपको अपने नींबू के प्लांट में जो फल दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहा है या फल दे ही नहीं रहा है, तो कैसे उसमें ज़्यादा फल पा सकें, ज़्यादा नींबू पा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप नींबू के पौधे में ज़्यादा फल कैसे ले सकते हैं। अगर नींबू का पौधा साल भर लगाए हो गया है और आपने जो नर्सरी से लाया था तो इसमें फल लगे थे, लेकिन अब दोबारा अगर फल नहीं आ रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पौधे जो है मेन जो है खाद जो होती है NPK, यानी तीन ये कम्बिनेशन ऐसा है जिसकी वजह से पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, और ये एक और होता है फास्फोरस, जिससे रूट हमारे बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। तो आइए उसी के बारे में बताते हैं और एक उपाय बताते हैं जिससे आपके नींबू के फल नहीं आ रहे नींबू के प्लांट में तो बहुत अच्छे से नींबू के प्लांट आने लगेंगे। और बहुत सस्ती चीज़ है दोस्तों, घर पर फ्री में भी मिल जाती है, उसका उपयोग से हम अपने नींबू के प्लांट में जो है नींबू अच्छे से पाने लगेंगे। तो दोस्तों मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं इसके टेरिस ए गार्डन टिप्स। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे नींबू के फल में ज़्यादा नींबू पा सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को वो दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने नींबू के प्लांट की गुड़ाई करेंगे अच्छी तरह से। नींबू के प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से पानी डाल देंगे तब भी देखिए इस तरह से ये रूट सड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, आप पानी तभी डालें जब ऊपर से मिट्टी आपको ये अभी देखिए गीली है, सूखी नज़र आने लगे तब पानी डालें। तो सबसे पहले इसे गुड़ाई कर लेते हैं। महीने में एक बार निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरत है। इसमें जो घास उग जाती हैं उन घासों को निकालना होता है, क्योंकि वो घासें जो हैं हमारा पौधा जो चीज़ नहीं न्यूट्रिशन जल्दी से ले पाता, लेकिन घास जो है तुरंत न्यूट्रिशन लेके और मिट्टी को कमज़ोर कर देती हैं। नींबू के प्लांट कम से कम 18 इंच से ऊपर के पार्ट में लगाएं। अगर अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो आपको 18 इंच से ऊपर का जो है पार्ट लेनी चाहिए। उसके बाद इसमें हम एक फर्टिलाइज़र मिलाते हैं और वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र भी बता देते हैं आपको। तो देखिए ये जो है हमारा बर्मी कंपोज या गोबर की सड़ी हुई खाद जो है ले सकते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको ये नीम खली है और ये थोड़ा सा बूड राख, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं अगर लकड़ी की राख है तो। अगर लकड़ी की राख ना हो तो कंडे की राख ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है लकड़ी की राख होता है। तो तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें। अगर आपके पास स्टोन डस्ट हो या चाक स्टिक हो तो उसे भी इसे पीस के इसमें मिला सकते हैं, लेकिन हमने इस पौधे में चाक स्टिक गाड़ रखा है पहले से, जो कैल्शियम उससे मिलता रहेगा धीरे धीरे। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये मिट्टी जो है हम पौधे के जड़ की तरफ पहले करेंगे इस तरह से, इस तरह से खाली करेंगे। उसके बाद ये खाद हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से चारों साइड हम करके खाद डाल के मिट्टी से तोप देते हैं। जब भी आप खाद दें उसे मिट्टी से तोप दें, क्योंकि अगर ऊपर आ गया और सूख गया तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। खाद को कभी बिल्कुल भूरा सूखा नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक के ही रखना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ इसे हम डाल लेते हैं। इसमें फल भी आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं। इसी के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फल आए इसमें। दोस्तों इस समय गर्मियाँ बहुत भरपूर हैं, इन गर्मियों का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। उसके लिए देखिए जो है कुछ सूखे छिलके होते हैं जो हम पानी में भिगो के तो इस्तेमाल करते हैं, इन्हें स्टॉक करके सालों साल रख सकते हैं। इसमें जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और जो है केले के छिलके और जो है आलू के छिलके, ये चार छिलके ऐसे हैं जिसमें भरपूर मात्रा में NPK आपको मिल जाता है।
इसे सुखा करके स्टॉक कर लेते हैं तो आप इसे सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस नींबू में प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल कुरकुरा हो गया है। देखिए इस तरह से मैं बहुत सारा स्टॉक बना के रख लिया हूँ, जो सालों साल चाहे भिगो करके फिर से इसे इसका लिक्विड इस्तेमाल करें, या फिर जो है इसे डायरेक्ट हम इन पौधों में साइड साइड में जब कोई खाद ना डालें तो इन्हें डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने दिखा नहीं पाया, लेकिन देखिए अंदर इसमें जो है हमने इसको भर के ढक दिया है खाद देने के बाद, एनपीके पूरा का पूरा पौधे को हमारे मिल जाए इसलिए इसे हमने ढक दिया है। उसके बाद इसमें दोस्तों हम देखिए जो ये आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें जो है ये एक चीज़ डाल देते हैं, ये है फिटकरी, इसे एलम भी कहते हैं। ये इंसेप्ट जो है इसकी वजह से जो रूट खराब होते हैं उससे ख़राब होने से ये बच जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर कर लेते हैं पौधे में तो आपके पौधे में जो है मिट्टी एक तो भुरभुरी हो जाएगी, ऊपर से कोई भी मिट्टी के अंदर इंसेक्ट नहीं लगेगा और बहुत ही ये इको फ्रेंडली होती है दोस्तों, जो हमें भी नुकसान नहीं करती। हम लोग भी इसे कभी कभी जो है टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाती है तो गरारा करते हैं, इससे हमें भी कोई नुकसान नहीं होती है तो पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसको जो है 10 मिनट के लिए इस तरह से पानी में भिगो दें और उसके बाद इसे निकाल करके हम अपने प्लांट में ये एक डब्बा पानी 10 मिनट में जो भिगोए हैं इसे चारों ओर बराबर मात्रा में दे दें। जब ये खाद दें तो आप पौधे को जो है उस समय जो है पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जब पानी डाल देंगे तो पौधा जो है पानी भी बहुत तेज़ी से लेगा और न्यूट्रिशन भी लेगा, तो खाली न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। जो इसमें एक बार पानी बढ़िया से जो हमने बनाया है इसे डाल देते हैं, उसके बाद तभी इसमें पानी डालेंगे जब ये ऊपर से मिट्टी हमारी सूख जाए। दोस्तों इतना कर लेते हैं तो बहुत ही तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग भी होगी और बहुत सारे इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। अगर फूल झड़ रहे हैं तो हमारे पीछे एक वीडियो हमारे वीडियो में बनाए हैं कि फूल झड़ने से कैसे रोकें। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपका बड़ा प्लांट है तो उसी फिक्ट्री को जो है इस तरह से छोटी सी टुकड़ी को पानी अरे किसी सूती का जो है कपड़े में डाल करके और इस तरह से मिट्टी में किनारे अंदर दबा देंगे तो इससे भी पूरा पौधा जो है बिल्कुल परफेक्टली बना रहेगा, इस धीरे धीरे गलता रहेगा और पौधे में जो भी इंसेक्ट लगते हैं उनको समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से कर लेते हैं तो आपके नींबू के प्लांट में जो इक्का दुक्का नींबू लग रहा है बहुत तेज़ी से फूल आना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे नींबू आपके प्लांट में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ध्यान दें दोस्तों, ज़्यादा नींबू पाने के लिए आपको नींबू के प्लांट को बड़े पार्ट में ही लगाना होगा, कम से कम 18 से 20 इंच के पार्ट में जब लगाएंगे तो नींबू का प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत सारे नींबू हमेशा आपको इसे तोड़ने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।